नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलनेप टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिलनेप टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिलनेप टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिलनेप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिलनेप एक ब्रांड नेम है। सिलनेप टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सिलनीडिपाइन होता है। सिलनेप टैबलेट 5 mg व 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सिलनेप टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सिलनेप टैबलेट का उपयोग किया जाता है। सिलनेप टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आंखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिलनेप टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सिलनेप टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, चेहरे का लाल होना, सिरदर्द होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा कम होना, आँखों में दर्द होना, हाथों व पैरों में सूजन होना, दिल की धड़कन का तेज होना, घबराहट होना, बार बार पेशाब आना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द होना, दस्त होना और त्वचा पर रैशेस व खुजली होना आदि साइड इफेक्ट्स सिलनेप टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलनेप टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सिलनेप टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिलनेप 5 mg से लेकर सिलनेप 10 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं, और बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ाकर सिलनेप 20 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। सिलनेप टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिलनेप टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलनेप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिलनेप टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी मर्जी से लेना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलनेप टैबलेट को एकदम से बंद कर देने से एंजाइना होने का जोखिम अधिक हो जाता है। एंजाइना होने पर हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से छाती में दर्द होने लग जाता है। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको सिलनेप टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिलनेप टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। सिलनेप टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं में सिलनेप टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिलनेप टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सिलनेप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।